तो हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम माइक्रोमैक्स के इन वन बी के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने माइक्रोमैक्स की इन वन बी की एक अनबॉक्सिंग और आपको फुल रिव्यू शेयर किया था, क्योंकि मैं इस स्मार्टफोन को काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था। तो इसलिए मैंने उस वीडियो में मैंने आपको इसके बग्स के बारे में बताया था और मैंने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ। तो गाइस, इस वीडियो में हम माइक्रोमैक्स के इन वन बी के अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस, जैसे ही मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, उसके तुरंत ही मुझे इस स्मार्टफोन में एक न्यू अपडेट देखने के लिए मिला था, जिसमें स्मार्टफोन के जो बग्स थे फिक्स हो चुके हैं। मुझे जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो भी स्मार्टफोन में न्यू देखने के लिए मिला है। तो गाइस, अब इस स्मार्टफोन में जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो अपडेट हो चुका है। तो इसकी मदद से जो स्मार्टफोन की जो सिक्योरिटी है वो थोड़ी इंप्रूव हो चुकी है माइक्रोमैक्स के द्वारा, और उसके साथ ही स्मार्टफोन में जो बग्स है वो पूरे के पूरे फिक्स हो चुके हैं। वैसे पूरे के पूरे तो फिक्स नहीं हुए हैं, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कि कौन से बग्स फिक्स नहीं हुए हैं, बट जो बग्स फिक्स हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बग के बारे में बात कर लेते हैं, जो मैंने इसमें हैंगिंग प्रॉब्लम के बारे में आपको बताया था। तो गाइस, इस स्मार्टफोन में आपको जो हैंगिंग प्रॉब्लम थी वो बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिल जाती थी। अगर आप कोई भी वीडियोस को शूट करते थे और उसके साथ अगर आप कोई भी वीडियोस को वॉच करते थे, तो इसमें आपको हैंगिंग प्रॉब्लम देखने के लिए मिल जाती थी। बट अब इस स्मार्टफोन में अपडेट के साथ वो जो बग है वो फिक्स हो चुका है। अब इस स्मार्टफोन में आप काफ़ी आसानी से वीडियो शूट कर सकते हो और काफ़ी आसानी से वीडियोस को वॉच भी कर सकते हो। तो वीडियोस वॉच करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम इस स्मार्टफोन में नहीं होने वाली है। तो इसलिए मैंने पिछली वीडियो में आपको इस स्मार्टफोन को रेकमेंड नहीं किया था, क्योंकि अगर आपका जो यूज़र एक्सपीरियंस ही अच्छा ना हो तो आप इस स्मार्टफोन को कैसे परचेज कर सकते हो। तो इसलिए मैंने इस स्मार्टफोन के बारे में बताया था कि आप इस स्मार्टफोन को परचेज अभी मत कीजिए। अगर माइक्रोमैक्स कोई न्यू अपडेट देता है तो आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हो। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने न्यू अपडेट दे दिया है और इस स्मार्टफोन में आपको जो बग्स है वो फिक्स हो चुके हैं। उसके साथ ही प्रीवियस वीडियो में मैंने सेकंड बग के बारे में भी बताया था, जो आपको इसकी कैमरा ऐप में देखने के लिए मिल जाती है। अगर आप कोई भी इंटरनेट से वीडियो डाउनलोड करते हो और वीडियो का जो आपको थंबनेल है वो आपको कैमरा एप्लीकेशन में देखने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक डेमो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने कैमरा एप्लीकेशन ओपन किया और मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाउनलोड की थी, और वीडियो डाउनलोड करते जो कैमरा एप्लीकेशन थी उसमें आपको जो प्रीव्यू वाला टैब देखने के लिए मिलता है, अगर वहाँ पर आप क्लिक करते हो तो वहाँ पर आपको एक थंबनेल देखने के लिए मिल जाती है, जो 3-4 सेकंड के लिए वहाँ पर रह जाती है और बाद में वो जो थंबनेल है वो हट जाती है। ये जो बग है वो अभी भी स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इस बग को अभी तक माइक्रोमैक्स ने फिक्स नहीं किया है, बट ये जो बग है वो इतना भी बड़ा नहीं है। अगर आप मेरे हिसाब से देखो तो जो पहले वाला बग था वो ज़्यादा सीरियस था, तो उस बग को माइक्रोमैक्स ने फिक्स कर दिया है स्मार्टफोन में। तो आप आसानी से स्मार्टफोन को आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बोला था कि आप स्मार्टफोन को परचेज मत कीजिए। तो यहाँ पर माइक्रोमैक्स ने अपडेट देकर उस बग को फिक्स कर दिया है, तो आप इस स्मार्टफोन को अब डेफिनेटली बाय कर सकते हो। बट जैसे ही मैंने इसकी कैमरा एप्लीकेशन को दोबारा से यूज़ किया तो वहाँ पर मुझे एक और बग देखने के लिए मिला है। तो गाइस, उस बग को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो गाइस, अगर आप HDR मोड को ऑन कर कोई भी फोटोज क्लिक करते हो और उसके तुरंत ही आप किसी और मोड में स्विच हो जाते हो, तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर पोर्ट्रेट मोड में स्विच हो जाता हूँ, तो उसके साथ ही जो आपकी HDR वाली फोटो होती है वो सेव नहीं हो पाती। तो अगर आप एक साथ दो दो फोटोज क्लिक करते हो अलग अलग मोड में, तो आप इस स्मार्टफोन से अभी क्लिक नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आप HDR मोड में कोई भी फोटोज क्लिक करते हो और उसके तुरंत ही आप पोर्ट्रेट मोड में या सिंपल फोटो में स्विच हो जाते हो, तो आपकी जो प्रीवियस फोटो होती है वो गैलरी में सेव नहीं हो पाती। तो ये भी आपको इसमें बग देखने के लिए मिलता है इसकी कैमरा एप्लीकेशन में। तो इस सब बग को भी आप इग्नोर कर सकते हो, वैसे इतना भी बड़ा बग नहीं है। तो आप इस स्मार्टफोन को आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और उसके साथ ही मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि इसमें आपको जो टच रिस्पॉन्स है वो थोड़ा डिले देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मैंने रियलमी के C11 से कंपेयर किया था, तो आपको जो टच रिस्पॉन्स है इसका थोड़ा स्लो देखने के लिए मिलता है अगर आप रियलमी के C11 से कंपेयर करोगे। बाय द वे, आपको जल्द ही एक वीडियो देखने के लिए मिलेगी रियलमी के C11 और माइक्रोमैक्स के इन वन बी का कंपेरिजन, जिसमें मैंने डिटेल में स्मार्टफोन की बात की है। तो अगर आपने वो वीडियो देखनी हो तो आप स्टे ट्यून रहना मेरे चैनल पर। अगर आप स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो और अगर आपका बजट 7-8 हज़ार रुपये है, तो आप स्मार्टफोन डेफिनेटली बाय कर सकते हो। और अगर आप कंपेरिजन देखकर स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हो तो आप स्टे ट्यून रहना, मैं रियलमी के C11 और माइक्रोमैक्स के इन वन बी का एक कंपेरिजन लेकर आने वाला हूँ, जिससे आपको पता लगेगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट होगा 7 से लेकर 8 हज़ार की प्राइस में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और साथ ही बेल को दबा दीजिए ताकि आप अपने अपडेट को मिस ना करें। थैंक यू।